हेलो, मैं हूँ रेणु कुमारी। मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 बोकारो की स्टूडेंट हूँ और मैं बालीडी के रहने वाली हूँ। मैं केवी में 3rd क्लास से ही पढ़ रही हूँ। मुझे 10th में 92.6% आए हैं, जिससे कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरी फैमिली भी मुझसे बहुत खुश है। एज यूजुअल, एग्जाम से पहले सब नर्वस होते ही हैं। मैं भी बहुत नर्वस थी। मुझे डर इस बात का था कि मेरे आंसर से टीचर्स सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं, बट काफ़ी एक्साइटेड भी थी कि फर्स्ट टाइम किसी दूसरे स्कूल में जाके एग्ज़ाम देना था। और कॉपी स्कूल से बाहर के टीचर्स चेक करने वाले थे, इसलिए थोड़ी एक्साइटेड भी थी। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम के लिए अपियर हुई तो मुझे क्वेश्चंस इजी लगे, मेरे सारे एग्ज़ाम्स अच्छे गए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि 90% आएगा, बट डर इस बात का था कि साइंस में मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए। तो मुझे थोड़ा सा डर था कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 90% से ऊपर आए तो ये होगा या फिर नहीं, ये थोड़ा सा डर था मेरे अंदर। जब मैं 10th में गई तो मैंने एक टारगेट सेट कर रखा था कि मुझे अच्छे नंबर्स लाने हैं, जिसके लिए मैंने काफ़ी हार्डवर्क किया और मैंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी एनसीईआरटी बुक से ही की। मैं चैप्टर्स को लाइन वाइज पढ़ती थी, डेली मैं 3 से 4 घंटे पढ़ा करती थी। टीचर्स ने हमें सजेस्ट किया था कि सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि एग्ज़ाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैंने काफ़ी सैम्पल्स पेपर्स भी सॉल्व किया और मुझे कुछ भी डाउट होता था तो मैं अपने फ्रेंड से कंसल्ट करती थी या फिर अपने टीचर्स से कंसल्ट करती थी। मैं अपने आगे की पढ़ाई यही केंद्रीय विद्यालय से ही करना चाहती हूँ। मैं साइंस लेके 12th करना चाहती हूँ। इसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज करने की सोची है। इस सक्सेस का श्रेय सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कभी मुझे पढ़ते वक्त डिस्टर्ब नहीं करा। मुझे जो भी चाहिए होती थी वो मुझे लाके देते थे। इसके बाद फिर मैं अपने टीचर्स को करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे गाइड किया, इंस्ट्रक्शन दिया, मुझे सजेस्ट किया कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ला सकती हूँ। और फिर मैं अपने फ्रेंड्स को भी देना चाहती हूँ, एज दे हेल्प मी इन क्लियरिंग ऑल माई डाउट्स। एग्ज़ाम से पहले स्कूल से भी काफ़ी सपोर्ट मिला। टीचर्स हमें रेगुलर नोट्स देते थे। प्रिंसिपल सर भी टाइम निकाल के हमारे डाउट्स क्लियर करने में बहुत मदद करते थे। तो स्कूल से भी काफ़ी सपोर्ट रहा। टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, हमारे डाउट्स क्लियर किए, हमें समझाया कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अच्छे से एग्ज़ाम को फेस करना है एंड ऑल दैट। नेक्स्ट ईयर जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं, मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगी कि वह अपना ज़्यादा टाइम सेल्फ स्टडीज़ को दे, वो स्टडीज़ को लेके रेगुलर रहें, फोकस्ड रहें और उनके टीचर्स द्वारा दिए गए नोट्स को पढ़ें, समझें। और अगर उन्हें कुछ भी डाउट्स होता है तो वो बिना हिचकिचाए अपने टीचर्स के पास जाए, उनसे हेल्प लें और चैप्टर्स को लाइन वाइज पढ़ें और ख़ुद से जो है क्वेश्चंस क्रिएट करें। इट विल हेल्प देम। एंड जितना हो सके उतना सैम्पल्स पेपर सॉल्व करें और मैथ्स में जो है अलग अलग बुक से क्वेश्चंस लें और सॉल्व करें। ये उनको बहुत ही हेल्प करेंगे, जिससे कि वो अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। इनफैक्ट मेरे से भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। बहुत सारे गैजेट्स लाइक मोबाइल स्टूडेंट्स को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं। वीडियो गेम एडिक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है।
ये स्टूडेंट्स के लाइफ को काफ़ी अफेक्ट कर सकते हैं, उनके स्टडीज़ को और उनको फिजिकली भी बहुत बैडली अफेक्ट कर सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि आप थोड़ा मोबाइल से डिस्टेंस मेंटेन कर रखें, ताकि आप ये आपके लाइफ को स्पॉइल ना करें। थैंक यू।